नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करेंगे हम नीतीश कुमार की, जेपी मूवमेंट से निकले हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो फैसलों की। लेकिन उससे पहले बात हम करते हैं एक बड़े ही मशहूर शेर की। वो यूं है कुछ इस तरीके से कि उम्र भर हम गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। मुझे लगता है नीतीश कुमार पर आज की तारीख में ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसा ही कर रहे हैं नीतीश बाबू, अपने सुशासन बाबू। पता नहीं क्या हो गया उन्हें जो खुद आंदोलन से निकले और आज इस तरीके के फैसले कर रहे हैं जिस पर विवाद सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में भी उनके इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही। जरा सोचिए, मैं आपको 1974 और 75 के दौरान अगर लेके चलूं पहले, तो जो फैसला नीतीश सरकार ने किया है बिहार को लेकर के, अगर वही उस वक्त लागू हुआ होता तो नीतीश आज मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू यादव को कोई नहीं जान रहा होता, सुशील मोदी का नाम हम सब नहीं जानते। ये तीनों जेपी मूवमेंट से निकले हुए नेता। लालू उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और सुशील मोदी उसी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। नीतीश कुमार भी जेपी की बातों से प्रभावित होकर जेपी मूवमेंट में कूद पड़े थे, लेकिन आंदोलन से निकला हुआ अपने को जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का चेला बताने वाले नीतीश कुमार दो फैसलों को लेकर के, दो सरकारी आदेश को लेकर बहुत विवादों में। विवादों में इसीलिए है कि अब अगर सरकार की आपने आलोचना की, वो सोशल मीडिया में हो या फिर सड़क पर या चौराहे पर, तो आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी, सरकार में ठेका नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको हथियारों का जो आर्म्स लाइसेंस होता है वो नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको गैस एजेंसी नहीं मिलेगी। अरे भाई, ये हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या फिर कहाँ? और ऐसे तो नहीं थे नीतीश कुमार, ये 2-3 महीने पहले की बात है। बिहार चुनाव में हमने देखा, मैं उस चुनावी रैली में था जब नीतीश कुमार को प्याज फेंके गए मंच पर, टमाटर फेंके गए, नीतीश कुमार उस दौरान खड़े रहे मंच पर। ना आपको यकीन हो तो ये वीडियो देख लीजिए। पर ये वो नीतीश कुमार अब ऐसे नहीं है क्यों? पहले ये जान लीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर लिया है जिसको लेकर के हर तरफ उनकी निंदा हो रही। एक फैसला आया और वो 29 जनवरी का एक फैसला आया, वहाँ के डीजीपी हैं, उन्होंने एक सरकारी आदेश जारी कर दिया कि अगर आप धरना प्रदर्शन के दौरान आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको आपराधिक कृत्य माना जाता है और फिर आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है, तो फिर आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जैसा मैंने बताया, पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा, सरकारी ठेका तक नहीं मिलेगा। और इस बात को लेकर वहाँ के विपक्ष के नेता और आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा मुझे तो हिटलर और मुसोलिनी की याद आती है, और वो बार बार नीतीश कुमार को थके हुए सीएम कहते हैं। लेकिन सोचिए कि कॉलेज में बिहार को राजनीति का अड्डा कहते हैं, हमारे जैसे रिपोर्टर के लिए, हमारे जो उस वक्त के संपादक हुआ करते थे वो यही कहते थे कि अगर बिहार जाकर के चुनाव नहीं कवर किया या फिर वहाँ का राजनीति को नहीं समझा, तो फिर देश की राजनीति को नहीं समझ सकते। ये है वो बिहार, उस बिहार की धरती पर इस तरीके के फैसले। मान लीजिए स्टूडेंट कुछ वहाँ पर धरने पर बैठ गए, आपके खिलाफ, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा हो गया, फिर तो उन्हें जीवन भर, जिंदगी भर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये कैसी नाइंसाफी है भाई। और ये चिट्ठी लिखी डीजीपी ने और सभी विभागों के हेड को चिट्ठी लिखी कि ये एक तरीके का आदेश जारी हो गया, और पहली बार नहीं हुआ कि इस तरीके का सरकारी आदेश जारी हुआ। इससे पहले 21 जनवरी का ही एक और गवर्नमेंट ऑर्डर है, और जिन्होंने निकाला वो मेरे मित्र हैं, नैयर हसनैन खान उनका नाम है, EOW यानी आर्थिक अपराध विंग के वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, ADG जिन्हें कहते हैं, रहने वाले लखनऊ के हैं, तमीज और तहजीब के शहर के रहने वाले हैं। उनका एक सरकारी आदेश आया, वो था सोशल मीडिया को लेकर। आजकल तो हर आदमी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर है, अपना जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो एक सिटीजन जर्नलिस्ट है। और ऐसे हालात में, ऐसी दुनिया में इस तरीके का एक सरकारी आदेश नैयर हसनैन खान के ऑफिस से जारी होता है सभी विभागों के हेड को कि भाई सोशल मीडिया में अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ़,
विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, आपत्तिजनक या प्रतिकूल टिप्पणी, प्रतिकूल यानी आपने उनकी आलोचना कर दी, तो फिर आप पर आईपीसी के साथ साथ साइबर एक्ट के तहत भी आप पर मुकदमा हो सकता है। ये लो भाई नई बला आ गई, यानी आप सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कह सकते, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, सरकार की जो भी फैसले हों, भले ही मनमानी वाले फैसले हों, आपको पसंद नहीं हो, आप सर झुका करके कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है, अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा कहीं लोकतंत्र में होता है? लोकतंत्र में तो यही है कि हर आदमी अपने मन की बात कर सके, कह सके, उसे जो कोई कष्ट हो, परेशानी हो, इस हिसाब से तो फिर कोई वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, सोशल मीडिया पर कोई कुछ अपने मन की बात नहीं कर सकता, फिर फेसबुक, ट्विटर और सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। और इसी तरीके के दोनों फैसले आए हैं, और इसीलिए इन फैसलों को जो लागू करने वाला है वो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो कोई पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बना है, पिछले 15-16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में वो मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे हैं, और एक ऐसे नेता के नीतीश कुमार की छवि रही है जो पलटी बार बार मारने के बावजूद भी उनकी एक छवि रही है गुड एडमिनिस्ट्रेटर की, एक जो उल जुलूल बातें नहीं बोलते हैं, बहुत गंभीर माने जाते हैं, जिनको राजनीति की समझ है, ऐसे मुख्यमंत्री के तरफ से इस तरीके के फैसले आते हैं, वो भी बिहार की धरती, जहाँ से गणतंत्र का कहते हैं कि वहीं से उदय हुआ, बिहार की धरती ना भारतीय पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं कि एक तरीके से वही आत्मा बसती है बिहार की धरती में, और वहाँ से इस तरीके के फैसले आने, और वो भी उनके चेले कहे जाते हैं, जैसे कि जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, आपको याद होगा, बता ही दूँ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इमरजेंसी के फैसलों के खिलाफ, उस वक्त जो उनकी मनमानी थी, उस वक्त संजय गांधी हुआ करते थे, उनके फैसलों के खिलाफ जब एक मूवमेंट चालू हुआ जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, उसी मूवमेंट के हिस्सा रहे हैं नीतीश कुमार, और अब वो बातें कह रहे हैं कि इस तरीके के फैसले ला रहे हैं। हालांकि इस, और सबसे मजे की बात ये है कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से पटना से लेकर दिल्ली ही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में इस फैसले की आलोचना हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके इस फैसले की आलोचना की गई है, देश विदेश में उनके इन फैसलों की निंदा की जा रही है, नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला। वो नीतीश कुमार हैं जो हमेशा कहा जाता है सोच विचार कर हर चीज़ पर अपनी बात रखने में वो माहिर माने जाते हैं, लेकिन 10-15 दिनों से बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार लगता है मौन व्रत पर। इस बीच में उन्होंने कई चीज़ें कही लेकिन इस मसले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो खुले मन से काम करते हैं, लेकिन इस बार वो छोटे भाई होकर भी सीएम के रोल में हैं। पहली बार ऐसा हुआ, वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या अधिक है, नीतीश कुमार के पास विधायकों की संख्या उनसे करीब करीब आधी से थोड़ी अधिक है। तो नीतीश कुमार पहले बिग ब्रदर हुआ करते थे सरकार में, यानी एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू के, इस बार वो छोटे भाई हैं, फिर भी घर के मुखिया बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहीं इस बात का तो दबाव नहीं है? क्योंकि नीतीश की कभी आदत नहीं रही, जो कहते हैं ना 32 दांत के बीच में जीभ रहता है, वैसे रह लो, नौकरी कर लो, काम कर लो, ऐसे नीतीश बाबू नहीं रहे, उनकी जिससे भिड़ जाती है, जब मन हुआ लालू यादव से भिड़ गए और फिर वो महागठबंधन से बाहर निकल गए, जब मन हुआ नरेंद्र मोदी से भिड़ गए थे और चले गए थे लालू यादव के साथ। तो नीतीश अपने फैसले खुद करते हैं, पार्टी में एक छोटा फैसला भी नीतीश कुमार को ही करना होता है, तो जाहिर सी बात है लोग ये कहेंगे ही कि ये दो जो विवादित फैसले लिए गए हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने वाला एक विरोध और प्रदर्शन, जो कि एक किसी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, उसको दबाने वाला ये फैसला भी नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया होगा, कोई एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी ने ये फैसला अकेले में नहीं ले लिया होगा। अब तक नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी मौन सहमति है और इसीलिए अब तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार को ईश्वर करें कि उन्हें सद्बुद्धि दें और इन दोनों फैसलों को वापस ले लें, क्योंकि इससे लोकतंत्र की आत्मा मरती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर आपको मेरी बात कैसी लगी ये बताना भूलिएगा मत।